ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख की। कौन सी क्लास है हमारी आज? वेन आरेख की हमारी चौथी क्लास है ना। पहला क्वेश्चन, स्तनधारी पहला क्वेश्चन है ना। पहले लिखवाए थे मैंने स्तनधारी, स्तनधारी ब्लू व्हेल और क्या है उभयचर, ब्लू व्हेल उभयचर। देखो पहला क्वेश्चन है स्तनधारी ब्लू व्हेल उभयचर। आप देखो सबसे पहले स्तनधारी में और ब्लू व्हेल में क्या फर्क है, स्तनधारी में और ब्लू व्हेल में क्या फर्क है बताओ। क्या जितने भी ब्लू व्हेल होते हैं वो सब स्तनधारी होते हैं? ये सभी स्तनधारी ब्लू व्हेल होते हैं बताओ। ब्लू व्हेल किस में आती है, मछली में आती है, किस में आती है? तो जितनी भी मछली होती है वो सारी क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, तो ब्लू व्हेल किसके अंदर आ जाएगी, स्तनधारी के अंदर आ जाएगी। ये क्या है ब्लू व्हेल और ये क्या है स्तनधारी। और उभयचर क्या होता है बताओ, आप बताओ उभयचर ब्लू व्हेल से रिलेटेड है कि नहीं बताओ। उभयचर ब्लू व्हेल से रिलेटेड है कि नहीं है? ब्लू व्हेल में और उभयचर में कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्या, या कोई इसके अंदर कोई अंतर देखा है आपने इसमें दोनों में? अंतर तो है, क्या अंतर है वो भाई? उभयचर किसको कहते हैं, उभयचर किसको कहते हैं? जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है, स्थल पे और जल में रहता है, उसे उभयचर कहते हैं। तो जब सारे के सारे ब्लू व्हेल है तो मछली तो सारी किस में रहती है? तो कुछ उभयचर ब्लू व्हेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और कुछ स्तनधारी उभयचर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। उभयचर बिल्कुल क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो इसका वेन आरेख क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वकील पिता शहरी, वकील पिता शहरी। ध्यान दो, आप बताओ इस सेकंड क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, वकील पिता और शहरी। आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, वकील और पिता में? देखो क्या सभी वकील पिता होते हैं क्या? सभी पिता वकील होते हैं? सभी वकील पिता होते हैं क्या? नहीं होते। इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? कुछ वकील क्या होते हैं, कुछ एडवोकेट क्या होते हैं, पिता होते हैं। आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है पिता और शहरी में? क्या सभी पिता शहरी होते हैं क्या? हैं, कुछ पिता शहरी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ का है। इन दोनों में देखो वकील का, सभी वकील शहरी होते हैं क्या, कुछ वकील शहरी होते हैं? दोनों से क्या हो जाएगा? तो समझ में आया आपको ये? ठीक है, इसका वेन आरेख ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीन लिखो। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, नोट करो। माता पिता शिक्षक महिला, माता पिता शिक्षक महिला। आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, माता पिता में और शिक्षक में? बताओ माता पिता और शिक्षक में क्या डिफरेंस है? सभी जो माता पिता है क्या वो शिक्षक होते हैं? कुछ माता पिता क्या होते हैं? तो कुछ माता पिता यानी पेरेंट्स और कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, टीचर होते हैं। अब देखो शिक्षक और महिला में, क्या सभी शिक्षक महिला में आते हैं? कुछ शिक्षक महिला होते हैं और सभी माता पिता क्या महिला होते हैं? नहीं, कुछ माता पिता महिला होते हैं। तो दोनों से क्या आ जाएगा, हैं, दोनों से टच हो जाएगा ना, महिला। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ यहां तक। उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर चार की। क्वेश्चन नंबर चार आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है फल आम बिल्लियां, फल आम बिल्लियां, फल आम बिल्लियां,
फल, आम, बिल्लियां। फल, आम, बिल्लियां। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आप बताओ फल और आम में क्या डिफरेंस है? सभी फल आम होते हैं क्या? हैं? सभी फल आम होते हैं? सभी फल आम होते हैं क्या? सभी आम फल होते हैं, तो सभी आम क्या जाएगा? सभी मैंगोज आर फ्रूट, ये क्या है? फल। बिल्लियां क्या आ गई? अलग। केट में क्या जाएगा? अलग आ जाएगी बिल्ली। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, खाने की चीजें, सब्जियां, गाजर। क्वेश्चन नंबर 5, खाने की चीजें, खाने की चीजें और सब्जियां और क्या है? गाजर। बताओ कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? ध्यान से देखो, जितनी भी सभी खाने की चीजें सब्जियां होती हैं क्या? नहीं होती ना। क्या सभी सब्जियां खाने की चीजें होती हैं? सभी सब्जियां होती हैं तो खाने की चीजें होती हैं। सभी सब्जी को खाते फेंकते तो थोड़ी हो। सभी सब्जियां जो होती है ना वो क्या होती हैं? खाने की चीजों के अंदर आती हैं। आगे देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखो। सभी सब्जियां गाजर होती हैं क्या? सभी गाजर की सब्जियों में आती हैं क्या? बिल्कुल। सभी गाजर किस में आती हैं? सभी गाजर किस में आती है? सब्जियों में। तो इसका वैनारे क्या बनेगा? ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताओ, किसका आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, पक्षी, गोरैया, मोर। पक्षी, गोरैया, मोर। पक्षी, गोरैया और मोर। आप ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। ध्यान से देखो, आप बताओ क्या पक्षी और गोरैया में सभी पक्षी गोरैया हैं क्या? सभी गोरैया पक्षी के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। जितने भी गोरैया हैं वो किसके अंदर आते हैं बताओ? पक्षियों के अंदर आते हैं। तेरे एग्जाम में पक्षी। और मोर क्या है बताओ? मोर पक्षी थोड़ी है, बताओ मोर क्या है? मोर पक्षी में आ सकता है, लेकिन ये पालतू तो भी होता है क्या मोर? हाँ, तो पक्षी में आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ? लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि पालतू तो है ये, लेकिन पालतू इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो क्या करेंगे? जो गोरैया है ना वो क्या है? वो जो गोरैया वो क्या है? वो भी पक्षी है और मोर भी क्या है? पक्षी है। ठीक है ना, अगर जब पालतू होता ना तो फिर इसका आंसर अलग हो जाता। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कपड़े, पतलून, कमीज। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या है? कपड़े, पतलून। पतलून किसको कहते हैं? कमीज को कहते हैं क्या? बताओ, पजामे को और कमीज। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? आप बताओ कि सभी कपड़े पतलून होते हैं क्या? नहीं। सभी पतलून कपड़े के अंदर आते हैं क्या? सभी पतलून जो होंगे ना वो किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? कपड़े के अंदर। सभी कमीज किसके अंदर आते हैं? कुछ कमीज पतलून होते हैं क्या बताओ? या कुछ कमीज कपड़े होते हैं क्या? नहीं। सभी कमीज क्या होते हैं? कपड़े। इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, कपड़े के अंदर आ जाएंगे दोनों। बात आगे की आगे क्लियर? अब उसके बाद लिखो, डिनर पार्टी, मांस, मछली, शाकाहारी। डिनर पार्टी, मांस, मछली, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिनर पार्टी, मांस, मछली और शाकाहारी। डिनर पार्टी, मांस, मछली और शाकाहारी। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? सभी बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए?
बताओ, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। डिनर पार्टी और मास में क्या फर्क है? सभी मास डिनर पार्टी होता है क्या? हाँ, कुछ डिनर पार्टी मास होते हैं क्या? आप देखो, डिनर पार्टी में मास भी होता है ना, और क्या होता है, मछली भी होती है ना, और क्या होता है, शाकाहारी भी होता है। तो याद रखना, डिनर पार्टी का मतलब ये हो गया एक तरीके से, ये तो आ गया डिनर पार्टी में। अब डिनर पार्टी में देखना कौन कौन आता है। डिनर पार्टी में सब मांस वाले भी होते हैं, हाँ, सभी मांस वाले भी होते हैं और सभी मछली वाले भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते बताओ। और शाकाहारी भी सभी शाकाहारी होते हैं, ये तो क्या है, शाकाहारी। और देखो इसमें क्या है, डिनर पार्टी के अंदर यहां देखो आप, ये क्या है, मांस है। मांस में और मछली में देखो, कुछ मांस मछली वाले भी होते हैं, कुछ मांस मछली का होता है ना, और कुछ मछली का मांस होता है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, ये बाहर का क्या जाएगा, डिनर पार्टी। डिनर पार्टी में मांस मछली शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सभी मांस, जो सभी मछली का मांस थोड़ी होता है, कुछ मछली का मांस होता है। सभी मछली जो होती है मांस की नहीं होती है, ये कुछ शाकाहारी भी होती है, मतलब कुछ मछली का मांस होता है, कुछ मांस की मछली होती है, ऐसे हो नहीं सकता है, कुछ मछली का मांस होता है, ठीक है। सभी मछली मांस की मांसाहारी नहीं होती, मतलब कैसे हो सकती है, कुछ मांस, कुछ मछलियां पालतू भी होती है, आपने देखा होगा, नहीं, कुछ शाकाहारी भी होती है, इसलिए इसमें क्या आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। अरे आप मुर्गे की बात कर लो, सभी मुर्गे ये थोड़ी काटने लायक होते हैं, बताओ। अब फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो जैसे सांप सारे वो नहीं होते ना, सारे सांप क्या नहीं होते, जहरीले, वही कंडीशन इसमें है। तो सभी मछलियों का मांस नहीं होता, कुछ मछलियों का मांस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल कक्षा ब्लैक बोर्ड, स्कूल कक्षा ब्लैक बोर्ड, नवा क्वेश्चन, स्कूल कक्षा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बताओ स्कूल और कक्षा में क्या फर्क है? स्कूल के अंदर कक्षाएं होती है कि नहीं होती, बताओ। अरे स्कूल के अंदर क्या होती हैं, स्कूल के अंदर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ये क्या है, कक्षा का है। आप बताओ कक्षा और ब्लैक बोर्ड में क्या फर्क है? सभी कक्षा में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, बी भी होता है, ठीक है। तो यहां तक आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु मछली पौधे, आठ क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, ठीक है, नवा क्वेश्चन है ना, तो नवा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पशु मछली पौधे, पशु मछली पौधे, पशु मछली पौधे, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो आप, देखो पशु में और मछली में क्या फर्क है, मछली एक पशु में आती है कि बताओ, बिल्कुल आती है, कुछ पालतू पशु भी होते हैं मछलियों में, मछली होती है पालतू भी होती है, पालने के लिए भी काम करते हैं कई। तो क्या है, सभी मछलियां क्या होती हैं, पशु में काउंट होती है, ठीक है। सभी मछलियां किस में काउंट होती हैं, पशु के अंदर। और पौधे क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मूवमेंट वॉक क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट क्रॉल और नेक्स्ट है वॉक, वॉक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लो, नोट कर लो, पे कॉफी, कॉफी फल। वैसे क्वेश्चन तो 12 होना चाहिए ना, 9 कराए थे आज मैंने, 3-3 करके 9 है ना, ये 10वां क्वेश्चन है ना, ये 11वां है, ये 12वां है। तो देखो आप याद रखो, इसमें क्रॉल का मतलब क्या होता है, बताओ क्रॉल का हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मूवमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर मूवमेंट का मतलब होता है गति, क्या होता है, और क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना, और वॉक का मतलब क्या होता है, घूमना। तो देखो मूवमेंट जो होना है वो क्रॉल भी कर रहा है और क्या कर रहा है, वॉक से भी हो रहा है। कुछ क्रॉल वॉक है क्या बताओ, नहीं है, नहीं है ना, कुछ मूवमेंट क्रॉल है, ये कुछ क्रॉल वॉक है, बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है बताओ, ये तो मूवमेंट कर ही रहा है, ये तो मूवमेंट में है ही ना, नहीं बेटी बात समझ में, तो ये क्या है, मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो पे कॉफी और ये क्या है, फल। पे और कॉफी, देखो कॉफी सभी कॉफी पेय पदार्थ है, तो ये क्या जाएगा, कॉफी, सभी कॉफी क्या है, क्या है, पेय पदार्थ के अंदर आती है। उसके बाद देखो फल, फल में देखो आप सभी, फल में क्या आएगा, फल के अंदर देखो क्या आएगा, ये क्या है, कॉफी है, और ये क्या है, पेय पदार्थ में आती है। फल क्या है, फल तो बिल्कुल ही अलग आना चाहिए, फल तो बिल्कुल ही क्या आना चाहिए, कॉफी क्या है, पेय पदार्थ है, और फल क्या है, बिल्कुल अलग आ जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। उसके बाद पक्षी कठफोड़वा कौआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पक्षी कठफोड़वा और क्या है नेक्स्ट, कौआ, कौआ, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसका सॉल्यूशन आप बताओ, पक्षी और कठफोड़वा क्या होता है, आपने देखा लंबी चोंच का होता है एक, उसको कठफोड़वा कहते हैं, ठीक है, तो सभी कठफोड़वा क्या है, ये तो क्या है, कठफोड़वा आ गया, क्या है बताओ, ये क्या है, कठफोड़वा है, और ये क्या है, पक्षी, तो सभी पक्षी क्या है, सभी कठफोड़वा पक्षी के अंदर आ गए, सभी कौवा क्या आ गए, ये भी कौवा पक्षी होता है, और दोनों कौवा और पक्षी में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। कुछ कठफोड़वा कौवा होते हैं कि नहीं होते, सभी कठफोड़वा कौवा होते हैं कि नहीं होते, बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बताओ कि क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, कंकाल हड्डियां रक्त, कंकाल हड्डियां रक्त, देखो कंकाल हड्डियां, हड्डियां, हड्डियां और रक्त, कंकाल हड्डियां रक्त। आप बताओ कंकाल और हड्डियों में क्या फर्क है, सभी हड्डियां कंकाल में आती है, बिल्कुल आती है, सभी हड्डियां किस में आती हैं, हड्डियां किस में आती हैं, कंकाल के अंदर आती हैं। क्या सभी
हड्डियां रक्त हैं क्या? नहीं है। कुछ हड्डियां रक्त हैं क्या? हड्डियों में रक्त होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ कंकाल रक्त हैं क्या? सभी कंकाल रक्त हैं क्या? नहीं है। तो रक्त क्या जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देखो क्या है। खेल बैडमिंटन बॉल, खेल बैडमिंटन बॉल, खेल बैडमिंटन, खेल बैडमिंटन बॉल, खेल बैडमिंटन बॉल, खेल बैडमिंटन बॉल, पेशेवर इंजीनियर डॉक्टर, पेशेवर इंजीनियर डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेवर इंजीनियर डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17वां, फिर क्या है 18वां। 17वां क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप, परजीवी जू हिरण, परजीवी जू और हिरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप, कैनवास पेंट ब्रश, कैनवास पेंट ब्रश। देखो खेल बैडमिंटन बॉल कैसे करेंगे इसको आप देखो, खेल में बैडमिंटन में कोई देखो रिलेशन है क्या? क्या रिलेशन है? बैडमिंटन एक खेल है, बैडमिंटन एक क्या है? खेल है, ठीक है। खेल में इसको बी से कैसे दर्शा रहा हूं, और बॉल क्या है बताओ? ये बिल्कुल बॉल क्या है? अलग है। यही इसका क्या होगा? वेन आर एक। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं आप। पेशेवर में और इंजीनियर में और डॉक्टर में क्या रिलेशन समझते हैं आप? पेशेवर में इंजीनियर में और डॉक्टर में क्या रिलेशन समझते हैं बताओ? बताओ पेशेवर इंजीनियर डॉक्टर क्यों अलग है? इंजीनियर एक पेशेवर में आता है, क्यों आता है इंजीनियर एक पेशेवर में? इंजीनियर एक किस में आता है? पेशेवर में आता है। कैस किस में आता है? पेशेवर में क्यों आता है बताओ? बताओ हाँ? बताओ, पेशेवर और इंजीनियर जो है दोनों में क्या फर्क है? इंजीनियर जो है ना पेशेवर की श्रेणी में आता है, ठीक है, और डॉक्टर क्या होगा इसमें? अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वेन आरेख है नहीं। वैसे तो पेशेवर में दोनों ही आते हैं, है ना, वैसे तो पेशेवर में दोनों आते हैं, इंजीनियर भी और डॉक्टर भी आ सकता है, लेकिन हमारा ऐसा ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन वैसे तो गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेवर और इंजीनियर में देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसका मेन आ रहा है कि इसमें दे नहीं रखा है सही तरीके से, ये क्वेश्चन गलत है, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। आप देखो पेशेवर और इंजीनियर में डिफरेंस क्या है? सभी इंजीनियर पेशेवर वाले होते हैं, पेशेवर मतलब सभी इंजीनियर पेशेवर है, तो इसका मेन आ रहा है कि ये बनेगा वैसे तो मेरे हिसाब से तो पेशेवर, और ये क्या है इसमें इंजीनियर, और कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ये बनना चाहिए वैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, बाकी अपन देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन बताओ, इसमें क्या आना चाहिए? परजीवी किसे कहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं? जू क्या है? एक परजीवी है। जू किस में आती है? परजीवी में आती है। जू किस में आती है? परजीवी के अंदर आती है। और हिरण क्या हो जाएगी? बिल्कुल अलग हो जाएगी। बात आ गई समझ में? इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बताओ, क्या आना चाहिए? कैनवास पेंट ब्रश, कैनवास पेंट ब्रश। आप देखो कैनवास में और पेंट में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? कैनवास उसे कहते हैं जब हम किसी पर क्या करते हैं, ऊपर तिरपाल वगैरह डालते हैं, उसको कैनवास कहते हैं, ठीक है। तो कैनवास और पेंट दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इन दोनों में नो रिलेशन। पेंट और ब्रश में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन। और ब्रश और कैनवास में क्या रिलेशन है?
नो रिलेशन, इसका तीनों क्या जाएंगे अलग अलग। तो आज तक हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो एसएससी और रेलवे में एनटीपीसी में ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।